तो आज के हमारे इस ऑनलाइन क्लास में हम VVMI को प्रोग्रामिंग का डेटा टाइप यूज करने जा रहे हैं। हालांकि अभी हम रेंज के बारे में पढ़ रहे थे, बट डेटा टाइप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि रेंज में भी इसका यूज होता है और मुझे भी कई जगहों पे यूज करते हुए आपने देखा है। तो मैंने सोचा पहले डेटा टाइप करा दूं, उसके बाद आगे बढ़े, तो ज़्यादा सहूलियत होगी, कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं होगी। अब डेटा टाइप क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा कि मैं हमेशा कुछ वैल्यू को होल्ड करने के लिए फॉर्मूला लगाने के लिए मैं इस तरह का फॉर्मूला ले, इस तरह के एम एक्स वाई जेड कुछ ले जाता ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर डेट जैसे मंथ अलग करना है, तो हमने मंथ का फॉर्मूला लिया और मंथ के फॉर्मूला को एम पे स्टोर कर दिया। अब मुझे जहां जहां एम की जरूरत है, मुझे जहां जहां एम की जरूरत है, जैसे मैसेज बॉक्स की जरूरत है एम एफ जी बॉक्स, वहां पे हमने एम को ले लिया। अब देखेंगे मैसेज में यहां पे 5 आ गया, राइट। तो एम क्या है, एम एक टेम्पररी सेविंग लोकेशन है। टेम्पररी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसका वजूद जस्ट ये जो ई जो माइक्रोज है उसी तक है, माइक्रो खत्म इसका वजूद खत्म, तो टेम्पररी है। टेम्पररी वैल्यू को होल्ड करता है, जहां मुझे इसकी जरूरत है वहां पास आउट करता है। तो यहां देखा हमने, यहां पे कोई डिक्लेरेशन नहीं किया, लेकिन जब आप खुद के माइक्रो बनाओ तो डिक्लेयर करना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि मान लीजिए मुझे यहां पे हमने कर दिया कि डिम आर एज ए इंटीजर, डिक्लेरेशन ऐसे होता है। अब इसमें डिम क्या है, आर क्या है, इंटीजर क्या है, समझिए। डिम फॉर डायमेंशन, ए जैसे सब फॉर सब्जेक्ट होता है, फंक्शन होता है, उसी तरह से एक डिम प्रीफिक्स है, मतलब कि फिक्स है, डिम रहेगा। आर आर के जगह पे आप कुछ भी अपना एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हो, इसके यहाँ पे आप स्वतंत्र हो। अब आप बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर को टाइप कास्ट ग्रुप जो मर्जी वो कर सकते हैं। जनरली हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में कास्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग कास्ट को कास्ट नहीं बोलना चाहे तो उसको आप टाइप बोल सकते हैं, डेटा टाइप। तो मतलब क्या हो गया कि डायमेंशन में, हार्ड डिस्क के डायमेंशन में आर नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया और वो इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। मतलब कि मुझे कहीं वैल्यू स्टोर करना होगा तो हम इक्वल यहाँ पे डाल देंगे, लेकिन सिर्फ इंटीजर वैल्यू डाल पाएंगे। इसमें हम किसी तरह का टेक्स्ट नहीं डाल पाएंगे और इसकी भी एक साइज लिमिट है। जैसे कि मैं इसमें 50,000 जो है नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि ये 32,000 समथिंग की इसकी लिमिट है इंटीजर, राइट। ये इंटीजर की तरह कितने तरह के होते हैं, तो चलिए पहले हम टाइप के बारे में जान लेते हैं, कितने तरह के आपके डेटा टाइप एक्सेल वीवीए प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। तो पहला होता है डिम बी एज ए बाइट। तो बाइट जो है वो 0 से 255 तक की वैल्यू को स्टोर कर पाता है। इससे ज्यादा वैल्यू अगर स्टोर करते हैं तो यहां पे ओवरफ्लो का आपको एरर आएगा। तो बाइट विदाउट डेसिमल विदाउट माइनस 0 से 255, बट इंटीजर क्या है कि इंटीजर में आप -32,000 समथिंग से +32,000 समथिंग डाल सकते हैं, बट ए भी आपको किसी भी तरह का डेसिमल वैल्यू को स्टोर नहीं करता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप डेसिमल डालोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मैंने बी इक्वल टू अगर मैंने 25-36 कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो 25 को ही लेगा और ऑटोमेटिक उसको राउंड डाउन कर देगा। सेम इंटीजर में भी है, लेकिन अगर आप लॉन्ग लेते हैं कि हमने बोल दिया एल एज ए लॉन्ग, तो लॉन्ग में क्या होता है कि आप एक बहुत एक बड़ी अमाउंट डाल सकते हैं। अब कितना बड़ा ये थोड़ा सा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 15 डिजिट तक के आसपास वैल्यू आप डाल सकते हैं, बट यहां भी बिना डेसिमल, बगैर डेसिमल। लेकिन अगर आप इसमें डेसिमल देंगे तो राउंड कर देगा, ऊपर वाले जो बाकी वैल्यू है वो राउंड डाउन कर दिए, बट ये राउंड कर देगा आपको। जैसे मान लीजिए 25 आपने 69 कर दिया तो 26 कर देगा, मतलब कि नीरेस्ट दे देगा आपको, राउंड राउंड कर देगा। उसके बाद अगर हम इसमें करें कि डिम
बियर एज ए बुलियन। तो बुलियन डेटा टाइप क्या करता है कि बीएल के ऊपर ट्रू एंड फॉल्स कोई ट्रू एंड फॉल्स लेता है, ट्रू एंड फॉल्स ओनली फॉर। उसके बाद अगर हम बात करें डिम डी एज ए डबल, डबल जो है सबसे ज्यादा सबसे बड़ा है, डबल जो है सबसे सबसे बड़ा है और ए डेसिमल को भी एक्सेप्ट करता है, मतलब कि ए लॉन्ग क्या हो गया इसको कीबोर्ड में लग रहा प्रॉब्लम है, ये जो है लॉन्ग इंटीजर बाइट सबसे बड़ा वैल्यू स्टोर करता है और साथ में डेसिमल को भी स्टोर करता है कि d इक्वल टू हम यहाँ पे डेसिमल भी डाल सकते हैं, तो डबल है। अब यहाँ पे अगला आता है वो आता है कि dim dt एज ए डेट, डेट एंड टाइम स्टोर करने के लिए डेट का लेंगे आप। अगर किसी तरह का अब जैसे मैं यहाँ पे dt इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में डेट डाल दूंगा, और जहाँ जहाँ के जानते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा में डाला हुआ टेक्स्ट होता है, बट डेट का डेटा टाइप होने के नाते क्या करेगा इसको कन्वर्ट कर लेगा। तो dt इक्वल टू हमने डाल दिया। उसके बाद अगला आता है कि dim t एज ए टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं होता इसमें स्ट्रिंग होता है, t एज ए स्ट्रिंग। अब यहां पे t इक्वल टू कोई भी नॉन कैलकुलेटिव डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी नॉन कैलकुलेटिव डेटा चाहे वो टेक्स्ट हो नंबर हो या फिर कोई भी चीज डाल सकते हैं। अब यहां पे एक कंफ्यूजन होने वाली बात है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्या वैल्यू होगा क्या। अगर आपको कंफ्यूजन है कि वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग इंटीजर कुछ भी हो सकता है, पहले तो आप डिक्लेयर भी मत करें, लेकिन कहीं कहीं पे डिक्लेयर करना पड़ जाता है बहुत सारे जैसे फंक्शन में, फंक्शन के डिक्लेरेशंस में और भी बहुत सारी जगहों पे डिक्लेयर करना पड़ जाता है। तो उस केस में आप यहाँ डिम वी एज ए वेरिएंट दें। वी एज ए वेरिएंट पे क्या है कि अगर मैं वी इक्वल टू नंबर डाला तो ये लॉन्ग इंटीजर हो जाएगा, अगर मैं इसमें टेक्स्ट डालूंगा तो टेक्स्ट हो जाएगा, इसमें डेट एंड टाइम डालूंगा तो डेट एंड टाइम का वैल्यू हो जाएगा। जैसा टाइप वैल्यू होगा ये जनरल फॉर्मेट समझिए तरह से होता है कि जो आप टाइप करेंगे वो उसी में अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। तो श्रीनिवास जी कोई डाउट इसमें आपको? नहीं जी। अब यहां पे एक क्वेश्चन उनके आता है कि जब मेरे पास ऑलरेडी ऑलराउंडर है। श्रीनिवास जी आप क्लास रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं? नहीं मैं नहीं रिकॉर्डिंग नहीं कर, आप कर रहे हैं ना? मैं कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। ऑल प्लस आर कीजिए कर जाएगा, हो जाएगा रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अच्छा मैं भी कर लेता हूँ फिर। ऑल प्लस आर तो यहाँ पे अतीश जी आप लोगों तो इसको पढ़े हुए हैं ना सर, इसलिए आपसे बात नहीं कर रहा। तो एकता जी ये हमारा डेटा टाइप है, तो जैसे कि हमने बताया कि हमारे पास बाइट है, इंटीजर है, लॉन्ग है, बुलियन है, डबल है, डेट है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑलराउंडर है। तो करने के मतलब मेरे पास ऑलराउंडर है तो इन सब चीजों को पढ़ने की जरूरत क्यों, मैं डायरेक्ट वेरिएंट यूज करूँ क्या? सही बात जी, आपके मन में भी ख्याल आया होगा कि अगर मेरे पास एक ऐसा है जो कि अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है किसी भी डेटा टाइप में, तो हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को क्यों यूज करें? तो इसको यूज करने का पर्पस ये है कि इसमें दो चीजें होती है। पहले चीज कि आप जानते हैं कि जब भी हम कुछ करते हैं तो सिस्टम में एक स्पेस कैप्चर होता है, तो ये आपका स्पेस इसकी साइज भी है। जैसे आपने बाइट किया तो 2 बाइट इंटीजर, 4 बाइट लॉन्ग, 8 बाइट बुलियन, 2 बाइट डबल आपका 8 बाइट होता है, डेट भी आपका 8 बाइट होता है, स्ट्रिंग आपका मिनिमम 16 बाइट और डिपेंडिंग ऑन टेक्स्ट, और वेरिएंट मिनिमम 32 बाइट्स 32 बाइट लेता है, सबसे ज़्यादा स्पेस लेता है। अब आप बोलेंगे कि क्या फर्क पड़ता है बाइट में, मेरे पास 1 TB का हार्ड डिस्क है, 8 GB का रैम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बाइट में फर्क पड़ता है,
एक सब्जेक्ट मतलब कि जो आपने एक मैक्रो बनाया है, इसकी एक साइज लिमिट है कि इसके अंदर जी हाँ प्रीतम जी सिंगल हेडर टाइप एयर है। यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर दिए गए माइक्रो जो है इसका एक लिमिट है 255 KB। अगर इसके अंदर दिए गए कोड्स की साइज 250 KB से ऊपर हुआ तो ये माइक्रो आपको रन नहीं करेगा, प्रोसीजर टू लार्ज का एरर देगा। सो माइक्रो टाइप करते समय अगर छोटी मोटी माइक्रो आप बना रहे हैं 5-10 लाइन की तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितना कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़ी माइक्रो बना रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डेटा टाइप जो यूज कर रहे हैं उससे आपके माइक्रो की साइज पे इफेक्ट ना पड़े। तो पहली प्रॉब्लम समझ में आ गई कि हम क्यों डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, हम वेरिएंट क्यों ना लेंगे। श्रीवार जी एंड एकता जी, यस सर क्लियर है। क्लियर सर। अब इसमें अगला टॉपिक यहाँ पे ये आता है, ये तो ठीक है, अगला टॉपिक यहाँ पे आता है कि दूसरा है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इसी पे करता हूँ कि dim v as a variant ले लिया, राइट, और हम v के ऊपर हम कुछ पॉइंट्स में लगा देते हैं और मैसेज बॉक्स में या जहां यूज करना चाहते हैं वहां पे हम अगर लेते हैं तो ये आपको 20.36 आएगा। लेकिन मुझे इसको राउंड करना है तो मुझे यहां राउंड का फॉर्मूला देना पड़ेगा, तो मैं यहां पे राउंड का फॉर्मूला ना देके मैं यहां पे लॉन्ग दूं। लॉन्ग देने से क्या होगा कि आप देखेंगे कि एक कन्वर्ट हो जाएगा। देखा आपने, तो यहाँ पे कन्वर्जेंस कर रहा, इसलिए हम डेटा टाइप डालते ताकि हमारी जो ये है जो हमारी एंट्रीज है वो कन्वर्ट हो जाए, हमें कन्वर्जेंस वाले कोड्स को अप्लाई ना करना पड़े। क्लियर है। अब दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम डेटा टाइप यूज ही क्यों करेंगे, समझ गए, मैं डेटा टाइप यूज ही क्यों करूंगा, पहली क्वेश्चन यहां पे आती है। तो मैंने बोला कि किसी भी तरह की फंक्शन से मंथ का फॉर्मूला है इसको वैल्यू कहीं स्टोर करने के लिए चाहिए ना सर, तो अगर मैं एम ना दूं तो एम की जगह पे मुझे यहां पे किसी सेल का रेंज देना पड़ेगा। ये वैल्यू मंथ जो है 5 देगा, ये 5 कहां स्टोर करेगा, कोई स्टोरेज पॉइंट तो चाहिए ना सर। हम एक्सेल में फॉर्मूला लगाते समय इक्वल टू सम लगाया तो सम की वैल्यू स्टोर हुई ना, कहाँ हुई, E5 पे स्टोर हुई ना। ऐसे ही कोई भी फंक्शन लगाते हो तो यहाँ पे स्टोरेज तो चाहिए। दूसरा कि चलो आप जहां यूज करना है वहां फंक्शन लगा सकते हो, तो एक ही फंक्शन को कई जगह लगाना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास यहां पे मंथ है, नेम है और यहां पे हमारा मान लीजिए सेल्स है, राइट, मंथ का नंबर सीक्वेंस नंबर दे देता हूं, बैकग्राउंड में शोर आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लें। और यहां पे नेम डाल दिया आपने और यहां पे हमने सेल्स डाल दिया। अब मुझे इसमें क्या करना है कि जब भी मैं माइक्रो रन करूं तो मुझे करेंट मंथ का डेटा फिल्टर होके एक नई सीट पे जाए और एक फाइल को फाइल में सेव कर दे। ठीक है,
ठीक है, फिल्टर होके जाए एक नई फाइल में इसको स्टोर कर दे। तो सबसे पहले फिल्टर का कोड क्या होगा, तो फिल्टर कोड के मैं लिए क्या करता हूँ, मैं माइक्रो लगा देता हूँ और यहाँ से मैं जैसे कि मान लीजिए वन है तो वन को सेलेक्ट किया एंड ओके कर लिया और फिर उसको हमने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, एक नई सीट इंसर्ट किया, पेस्ट कर दिया, इसका नाम हम वन दे देते हैं। इस मैक्रो को रिकॉर्ड ही कर लेते हैं, कोड करने से टाइम बचेगा थोड़ा सा। वन कॉपी, क्रिएट कॉपी, न्यू वर्क एंड ओके, और इस फाइल को फिर हम सेव कर देते हैं सेम डॉक्यूमेंट में वन नाम से। और हेलो सर, परमिशन दीजिए, इस वन मैक्रो को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, बाद में मूव कर दूंगा मैं इसको। तो अब इसकी कोडिंग को देखते हैं थोड़ा सा और कोडिंग मॉडिफिकेशन करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हमने रेंज ए वन को सिलेक्ट किया, सिलेक्शन डॉट फिल्टर किया, हम सिलेक्शन में फिल्टर की जरूरत नहीं है इसमें डालता हूँ, फिल्टर किया हमने और यहाँ रेंज ए वन कर देता हूँ ताकि डायनेमिक हो जाए, तो ए कंट्रोल ए पे चलता है ना सर, इसलिए। तो यहाँ देखिए श्रीनिवास जी दिखिएगा ध्यान से, एक रेंज ए वन डॉट सेलेक्ट, हमने रेंज ए वन पे कर्सर किया, फिर हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया, फिल्टर में यहाँ पे क्या है, एक्टिव सीट रेंज ए वन डॉट ऑटो फिल्टर, ऑटो फिल्टर में बोल रहा है कि भाई इसमें फील्ड कौन सा, मतलब किस फील्ड में लगाना था, मुझे पहले ही कॉलम में लगाना है तो वन दे दिया, क्राइटेरिया इसमें सर्च क्या क्या सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे वन डाला हुआ है। फिर यहाँ पे रेंज आ गया, रेंज ए वन पे वापस सिलेक्ट किया और फिर हमने ये क्या किया, सिलेक्शन किया, कैसे सिलेक्शन किया, इस पर कर्सर रखा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन, पहला आपका कंट्रोल सिलेक्शन से राइट को गया और यहाँ पे दूसरा सिलेक्शन से एंड को गया, तो ये सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्शन डॉट कॉपी हो गया, हमने एक नई शीट ऐड की, शीट्स डॉट ऐड आफ्टर एक्टिव शीट, या एक्टिव शीट के जगह पे आप लास्ट में भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था शीट एडिंग में लास्ट क्लास में, तो यहाँ पे हमने बोल दिया sheets.count राइट। उसके बाद सीट एक्टिव शीट डॉट पेस्ट, सीट फोर सिलेक्ट नहीं होगा ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे मैं एक्टिव शीट यूज कर रहा हूँ, क्या यूज कर रहा हूँ, एक्टिव शीट। उसके बाद रेंज 22 सिलेक्ट, इसको हटाइए जरूरत नहीं है, ए वन डॉट सिलेक्ट इसको भी हटाइए, हाँ अब देखिए सीट वन डॉट कॉपी, तो इसमें एक्टिव शीट डॉट कॉपी हो जाएगा, तो कॉपी की जगह पर मैं मूव कर देता हूँ क्योंकि अलग फाइल में मूव करना है ना मुझे, ए इसको हटाइए इसकी जरूरत नहीं है, और एक्टिव डॉट सेव एज यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सेव एज, और ये सेव एज में जो फाइल नेम दिया है इसको हटा दीजिए जरूरत नहीं है, और एक्सेलस एक्स कर देता हूँ मैं यहाँ पे एक्सेलस एक्स, और बाकी तमाम में हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, और एक्टिव विंडो डॉट क्लोज। अब माइक्रो हमारा परफेक्ट हो गया, अब एक बार कोड को दोबारा समझ जाइए, हम ए वन पे गए कर्सर रखे, हमने फिल्टर लगाया, फिल्टर में हमने पहले कॉलम की क्राइटेरिया वन दिया हमने, फिर ए वन को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल शिफ्ट से मैं राइट की तरफ गया, फिर कंट्रोल शिफ्ट से डाउन की तरफ गया ताकि जितना फिल्टर डेटा है वो हमारा सिलेक्ट हो जाए, फिर सिलेक्शन डॉट कॉपी जो सिलेक्टेड एरिया था उसको हमने कॉपी किया, एक नई सीट ऐड की सबसे लास्ट में और उस सीट पे हमने डेटा को पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, एक्टिव शीट डॉट नेम, क्योंकि जो सीट एक्टिवेट हुई है वही सीट हमारा, जो सीट हमारी एक्टिवेट हुई है वही सीट, सॉरी जो सीट ऐड हुई वही सीट हमारा एक्टिवेट है, तो इसलिए हमने एक्टिव शीट डॉट नेम उसका नेम दे दिया जिस मंथ का डेटा हमने कॉपी किया, फिर हमने एस्केप प्रेस किया ताकि कट कॉपी मोड फॉल्स, मतलब कि जब आप कॉपी कर लेते हैं तो इस तरह से घूमते रहता है ना, तो एक इसको एस्केप कीजिएगा तो हट जाता है, इसको बोलते हैं कट कॉपी मोड। तो यहाँ पे एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन का पार्ट है, हमने यहाँ पे डाला हुआ है एप्लीकेशन कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स, फिर हमने एक्टिव शीट को मूव कर दिया और जो मूव हुआ वही फाइल एक नई फाइल में मूव हुआ, क्योंकि
इसके आगे हमने कहाँ मूव करना है इसके बारे में कुछ नहीं दिया है, सिर्फ मूव लिख दिया। तो ये एक क्या करेगा, जो एक्टिवेट शीट होगी जिस पे डेटा पेस्ट हुआ है उसको एक नई फाइल में मूव कर देगा। जाहिर सी बात है, जब भी नई फाइल ऐड होती है तो वही एक्टिवेट होता है। तो फिर हमने उस फाइल को सेव एज कर दिया एक लोकेशन में और नाम हमने वन ही दे दिया। अब यहाँ पे वन इज अ करेंट मंथ, तो अगर मैं डेटा टाइप यूज ना करूं तो मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मंथ का, मंथ और यहाँ पे हम डेट का फॉर्मूला देंगे ताकि इसको करेंट मंथ दिख जाए। और सेम फॉर्मूला हमें यहाँ देना पड़ेगा और सेम फॉर्मूला हमें यहाँ भी देना पड़ेगा, लेकिन इसमें हमें कंबाइन करना पड़ेगा ताकि ये इस तरह से कंबाइन हो जाए, क्योंकि ये अलग है ना, इसलिए फॉर्मूला में। राइट सर, अब देखिए आपका ये छोटा सा फॉर्मूला था तो आपने इस, ठीक है, अब इसके जगह पे हो सकता है कि इनपुट बॉक्स हो। अब एक प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ गया कि तीन फॉर्मूले हमें लगाना पड़ रहा है, लेकिन अगर फॉर्मूला ना हो के ऐसा हो सकता है इनपुट बॉक्स। तो इनपुट बॉक्स क्या करता है कि इनपुट मांगता है, आपको इनपुट बॉक्स हम करते हैं यहाँ पे देते हैं एंटर मंथ नंबर, राइट। तो मुझे जहां जहां है वहां वहां ये इनपुट लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि ये जब भी रन होगा तो पहला मांगेगा फिल्टर, मतलब बार बार यूजर से मांगे, यूजर को बार बार डालना पड़ेगा। हो सकता है कि इस नंबर को मुझे आगे 10 जगह यूज करना है तो 10 जगह पे मुझे इसको यूज करना पड़ेगा। तो यहीं पे हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे डिम हम बोलते हैं आर एज ए, क्योंकि नंबर है तो आर एज ए हम इंटीजर, यहाँ बाइट भी चल सकता है क्योंकि 12 तक का नंबर है ना, तो बाइट। और यहाँ आर इक्वल टू इनपुट बॉक्स देना है तो इनपुट बॉक्स ले लीजिए, अगर इनपुट बॉक्स नहीं देना है, फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ पे एक बार फॉर्मूला आप लगा दीजिए। उसके बाद जहां जहां आपको उस फॉर्मूले की जरूरत है वहां वहां सिर्फ उस वेरिएबल का नाम दे दीजिए, ओनली फॉर वेरिएबल का नाम दे दीजिए, अब आपका काम हो जाएगा। तो वेरिएबल्स का यूज करने का एक और तरीका है कि हमें एक ही इनपुट को कई सारे जगहों पे, एक कैलकुलेशन को, एक इनपुट को कई सारे जगहों पे यूज करना है तो बार बार मुझे उस इनपुट को डालना होगा या फिर कैलकुलेशन को डालना होगा। तो दोनों में दिक्कत क्या है कि कैलकुलेशन डालेंगे तो चलो अभी मंथ छोटा सा कैलकुलेशन है, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर में बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो, 4-5-10 लाइनों का कैलकुलेशन हो, तो उस केस में हम डेटा टाइप यूज करते हैं, कैलकुलेट करके उस डेटा को हम एक वैल्यू पे स्टोर कर लेते हैं और उसको जहां मर्जी वहां यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स में हम लोग यूज करते थे कि सपोज x इक्वल टू 100 और जहां जहां मुझे 100 की जरूरत होती है वहां वहां हम x यूज करते थे, तो उसी तरह से वेरिएबल यहां भी काम करता है। तो वेरिएबल के वेरिएबल से रिलेटेड कोई डाउट या क्वेश्चन है आपके पास? श्रीनिवास जी, एकता जी, नीरज जी, कोई डाउट इसमें? वेरिएबल से रिलेटेड तो नहीं है सर, लेकिन अगर जैसे ऑटो फिल्टर में फील्ड हमने सिर्फ एक लिया है, अगर हमें मल्टीपल फील्ड्स लेना है तो कैसे करें? तो यहाँ पे फील्ड 1 क्राइटेरिया 1, फील्ड 2 क्राइटेरिया 2 रिकॉर्ड करके देख लीजिए, हमने रिकॉर्ड ही कर लिया था ना। ओके सर, ये वेरिएबल हम कब डिक्लेअर करते हैं, मुझे कुछ नहीं क्लियर कर रहा। एक मिनट, एक मिनट, धीरे से बोले, क्या बोल रहे हैं? क्या हम वेरिएबल का यूज कब करते हैं सर? ये आपको बताया ना, अभी इतना लंबा स्टोरी किस पे बताया मैंने आपको? हाँ, जरूरत होगी आपको कोई वैल्यू होल्ड करवानी है तभी ना करेंगे, ऐसे थोड़ी आप डिफाइन करते चले जाएंगे। मुझे यहाँ मंथ 3 जगहों पे चाहिए, और मंथ क्या है? करेंट मंथ, जो कि एक फॉर्मूला सा आता है। अगर मैं यहाँ फॉर्मूला यूज, यहाँ पे अगर वेरिएबल यूज ना करूँ तो मुझे इस इतने जगहों पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अभी तो 3 है, हो सकता है कि 13 हो, 23 हो, 30 हो, उतना बड़ा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा।
अभी यहाँ पे तो हो सकता है कि छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन कल के डेट में लंबा फॉर्मूला हो सकता है, बड़ा फॉर्मूला हो सकता है ना सर। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही, प्लीज आप एक फोन अच्छा से लीजिए प्लीज, मैं अंदाज से ही आपको जवाब दे रहा हूँ। हेलो सर, एक और डाउट है कि अगर जैसे हम यहाँ पे डिम आर एस वाइट नहीं लिखते हैं तब भी तो इट वर्क्स, तो फिर हम मतलब यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं डिम? क्या बोले सर, जैसे हम यहाँ पे सिर्फ आर इज इक्वल टू मंथ डेट लिखते हैं विथआउट डिम आर एस वाइट। हाँ तो अगर आप डिक्लेयर नहीं करते हैं तो क्या होगा, वो आपका ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं वेरिएबल हो जाए, वेरिएंट हो जाएगा। ओके ओके सर, हमने आपको ये चीज बताया आपको इससे पहले वाले हाँ, में हाँ, हाँ. कि अगर आप यहाँ डिफाइन नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, हमने एम को डिफाइन नहीं किया तो एम डिफाइन ना होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? सो ऑटोमेटिकली वेरिएंट ले लेगा, ऑटोमेटिकली वेरिएंट। ओके सर, अब इसका यूज हमने वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझा रहा हूँ कि मेरे पास क्वार्टर वन का और क्वार्टर टू का सेल है, मुझे यहाँ पे ग्रोथ निकालना है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ग्रोथ निकालने के लिए मैनुअल क्या करना होता है? रिकॉर्डिंग की परमिशन मिलेगी सर। जितने लेट हो गया तो यहाँ हाँ, यहाँ पे लेटेस्ट यहाँ पे ब्रैकेट में हम मैनुअल कैसे करेंगे कि यहाँ पे इक्वल ब्रैकेट हमने लिया लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, राइट? और यहाँ पे परसेंटेज लगा दीजिए। तो ये चलो, ये तो चलिए छोटा सा कैलकुलेशन है, लेकिन हो सकता है आपको बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो, उस बड़े कैलकुलेशन के ऊपर अगर आपको लगाना हो तो चलिए आप तो एक्सेल से वीवीएस से फैमिलियर है तो आप लगा लेंगे, लेकिन आप किसी और पर्सन को बोलेंगे लगाने के लिए तो वो तो थोड़ा सा दिक्कत होगा अगर एक्सेल से फैमिलियर नहीं है तो क्या। तो क्यों ना हम इस एक कैलकुलेशन को वीवीए में डाल दें और एक नया फॉर्मूला यहाँ बना। अब देखिए फंक्शन में इसका वेरिएबल का बहुत यूज होता है, तो एक फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूँ। फॉर्मूला बनाने के हम लगाते हैं फॉर्मूला फंक्शन का, फंक्शन, और यहाँ पे मैंने जिया नाम का फॉर्मूला का नाम दे दिया, और फॉर्मूले के अंदर में क्या इनपुट होगा, तो हमने बोला क्वार्टर वन एज ए लॉन्ग एंड क्वार्टर टू एज ए ऑल्सो लॉन्ग। जैसे कि आप कोई इफ फार्मूला लगाते हैं, कोई फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला के अंदर इनपुट होता है ना, जैसे कि इफ में तीन इनपुट है, लॉजिक वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स। तो जो इफ जैसा फार्मूला कोई डिफाइन करेंगे तो मुझे तीन इनपुट लेना पड़ेगा, तो यहाँ भी हमने लगाया तो दो इनपुट लिया, मुझे पता है कि दोनों हमारा लॉन्ग डेटा है इसलिए हमने दो लॉन्ग डेटा का इनपुट लिया। तो जब मैं इस पे फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे दूंगा जी आर और मैंने इसको सिलेक्ट किया कॉमा इसको सिलेक्ट किया, राइट? तो अब क्या होगा कि जो ए टू की वैल्यू है वो क्वार्टर वन पे चली जाएगी, ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी यहाँ क्वार्टर वन पे। मैं थोड़ा छोटा करता हूँ उसको, देखिए A1 की वैल्यू यहाँ पे आपका जो A2 की वैल्यू है वो आपके क्वार्टर वन पे आ जाएगी और A और B2 की वैल्यू आपके क्वार्टर टू पे आ जाएगी, मतलब कि क्वार्टर वन इक्वल टू 85 हो जाएगा और क्वार्टर टू इक्वल टू 65 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन करना है जी आर, या रिजल्ट पे माफ कीजिएगा रिजल्ट स्टोर करने की कोई चाहिए ना यहाँ पे, हम डिम आर एज ए हमने बोला डबल, मतलब कि परसेंटेज में निकलेगा तो डेसिमल होना है इसलिए हमने डबल डिसाइड किया और बोला आर इक्वल टू क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाय क्वार्टर वन।
और फिर रिजल्ट कहाँ स्टोर है, आर पे स्टोर है, तो मुझे बाहर आउट भी करना है तो फॉर्मूले के नेम पे हम उस आर को असाइन कर देंगे उस रिजल्ट को। ये फंक्शन बनाने का तरीका है, आगे चल के हम आपको उसको डिटेल में समझाएंगे, बट समझ लीजिए ये आपका डिक्लेरेशन होता है, ये आपकी कैलकुलेशन, ये आपका असाइन है। पहले आप फॉर्मूला डिक्लेयर करें कि फॉर्मूला के अंदर किन किन इनपुट होगा और किस तरह के डेटा टाइप की इनपुट होगा। अगर कंफ्यूजन है तो यहाँ पर लॉन्ग की जगह पे वेरिएंट आप ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, उस कैलकुलेशन को रिजल्ट स्टोर करेंगे किसी एक वेरिएबल पे, और फिर उस वेरिएबल से रिजल्ट फॉर्मूले के नेम पे साइन होगा ताकि बाहर फॉर्मूला का रिजल्ट दिखेगा, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। अब क्या हुआ कि अब थर्ड पर्सन को अगर किसी को बोलेंगे लगाने के लिए तो उसको आप बोलेंगे कि भैया आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस जी आर का फंक्शन अप्लाई कर देना है और जी आर के फंक्शन में पहले में दे देना है, पहला कॉमा दे देना है। अब ये लगाना तो सिंपल है ना, हर कोई लगा सकता है फॉर्मूले को, क्या सर? तो फंक्शंस, तो फंक्शंस में वेरिएबल्स का बहुत यूज होता है, बगैर फंक्शंस के वेरिएबल यूज नहीं होता है। और फंक्शन सिर्फ एक्सेल पे कैलकुलेशन के लिए होता है, आपके वीवीए में भी अगर आप वो एक ही कैलकुलेशन, जैसे कि यहाँ आपका मंथ था तो चलो मंथ था, लेकिन मंथ की जगह में ऐसा हो सकता है कि कुछ लंबी स्टोरी कैलकुलेशन हो, तो आप उसको फंक्शन में करके यहाँ पर जस्ट असाइन कर। इससे क्या हुआ कि जैसे वेरिएबल ना लेके कई जगहों पर हम उस फंक्शन को यूज करेंगे तो वहाँ पर या फिर अलग अलग इनपुट होंगे तो अलग अलग डेटा आएगा, तो कई बार कोड ना लिख के हम डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो इसलिए आप इंटरनेट पे या कोई अगर वेबसाइट कोई किसी का, जैसे कि आपने आपका जो श्रीनिवास जी है उसमें इसी तरह का फंक्शन बनाया गया है ताकि कैलकुलेशन को उसने अलग कर दिया, क्योंकि सारी कैलकुलेशन अगर एक माइक्रो में करेगा तो प्रॉब्लम क्या है कि इसकी साइज ज्यादा हो जाएगी और साइज ज्यादा होने से यहाँ पे प्रोसीजर टू लार्ज का एरर देगा। समझ गए? अब आती है कि क्या इसके ऊपर और स्टडी किया जा सकता है। जी हाँ, स्टडी किया जा सकता है, तो उसके लिए मैं एक बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूं। मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी दे रहा हूँ, आप लोग इसकी हार्ड कॉपी परचेज कर लीजिएगा। नहीं, इसमें तो सिर्फ फॉर्मूला, ये आपका बुक है और साथ में आपको दो वीडियो भी दे रहा हूं देखने के लिए। ये बुक आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अपने अपनी ईमेल आईडी एक बार बोलते जाइए। जी का हो गया, एक मिनट मैं लिस्ट लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अतीश पांडा जी आ गए, उस
उसके बाद प्रीतम रावत सर, रावत प्रीतम, आर ए डब्ल्यू टी, जितेंद्र राणे, आर ए डब्ल्यू टी, यस ओके। नीरज, नीरज कुशवाहा जी आपका क्या है? नीरज कुमार 8558, कुमार, जितेंद्र राणे। एक मिनट दे रहा हूँ, ए वन में बन देते हैं। ये तो आपका यही है क्या आपका? ये नहीं सर, नीरज कुमार 8558, नीरज आपको 10 कर, नीरज कुमार 8558 बाद है। मेहताब, मेहताब जी है, इमेज है, एम अच्छा एम ए, ये है ना सर मेहताब आलम। उसके बाद अगला आता है अमित गौतम जी, अमित गौतम, जितेंद्र जी आ गए, जितेंद्र, और उसके बाद श्रीनिवास जी, श्रीनिवास जी आपका आईडी क्या है? श्रीनिवास जी मेरा आईडी बताएंगे अपनी? श्रीनिवास जी अपनी मेरा आईडी देंगे मुझे? अब इस बुक के पेज नंबर 199 पे जाइएगा। श्रीनिवास जी मेल आईडी आपकी नहीं देंगे मुझे आप? श्रीनिवास जी म्यूट करके बैठे हैं, सुन नहीं रहे। तो मैं बोला था इसके, इसमें तो दो वीडियो है जो यूट्यूब लिंक है उसको देख लीजिएगा, साथ में पीडीएफ बुक है। ये बुक हालांकि 2010 पे है बट इसकी लेटेस्ट कॉपी आप परचेज कर सकते हैं ओके। और इस बुक का पेज नंबर 199, जी हाँ पेज नंबर मैं लिख भी देता हूं, पेज नंबर 199 पे जाएंगे तो वहां पे आपको पूरा चैप्टर मिलेगा किसका, इसका क्या बोलते हैं ब्रेवल्स का। तो उसको एक बार आसानी से अच्छे से देखिए और देखने के बाद हम जो है अगली क्लास में आपके साथ इससे आगे की चीजों पे डिस्कस करें, ठीक है सर। तो डेटा टाइप आपको अभी डेटा टाइप हुआ, इसमें भी कई पार्ट है, फिर ऑब्जेक्ट टाइप आता है, फिर एरे डेटा टाइप आता है, ग्लोबल वेरिएबल्स आते हैं, इसमें भी कई पार्ट है सर। लेकिन उससे पहले इस डेटा टाइप को यूज करना सीखना होगा, तब आगा के बाकी चीजों पे आप समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही ओके, गुड नाइट, गुड नाइट सर।